देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। घाघरा नदी का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ पीड़ितों की बड़ी दुश्वारियां। सनावा स्थित अली नगर रानी मऊ तटबंध पर बसे बाढ़ पीड़ितों को खुजली, दस्त, पेट दर्द जैसी बीमारियां बढ़ी। स्वास्थ्य विभाग की टीम सनावा स्थित अली नगर रानी मऊ तटबंध पहुंची। CHC अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह ने बाढ़ पीड़ितों का लिया हालचाल। 170 मरीजों को दवाएं की वितरित, 12 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए। सिरौली गोसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और बांध पर एंटी लार्वा का छिड़काव और ब्लीचिंग पाउडर डलवाया। सर, यहाँ सनावा तटबंध पर अली नगर आने में कितने लोगों को दवाई वितरित की गई है, क्या क्या दिक्कतें मिली? यहाँ पर बंधे पर 80 घर हैं, जिनमें से करीब 150 लोगों को तो दवा वितरित की गई है, जिसमें खुजली और दाने की समस्या है, जो जल जनित है, थोड़ा सा पानी की वजह से है और धूप गर्मी की वजह से, उमस की वजह से है। और यहाँ पर सराय सुरजन गाँव और टिपरा गाँव के लोग बसे हुए हैं बंधे पर। कुछ बच्चों को भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, खुजली की समस्या है, उसकी भी दवा वितरित की गई है। साथ ही साथ यहाँ ब्लीचिंग का छिड़काव, क्लोरीन का और एंटी लार्वा, जिससे मच्छर और मक्खियों से दूरी बनी रहे, मर जाएं जिससे कि उनसे कोई नुकसान ना हो, उनका भी छिड़काव किया गया है। और करीब 12 लोगों की यहाँ पर सैंपल लिए गए हैं खून के, मलेरिया के, तो उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद ही आपको हम बता पाएंगे। क्या इन लोगों को किस चीज़ से बचाव करना चाहिए कि ये ना हो? बचाव दरअसल पानी है यहाँ पर, तो बच्चे जो है उसमें नहा रहे हैं, फिर उसके बाद धूप में खड़े हो जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी शरीर पर दाने निकल आ रहे हैं कुछ, तो थोड़ा सा उससे बचाव करने की ज़रूरत है। और साफ़ सफाई, अपना पानी साफ पिए, उससे बचाव करने की ज़रूरत है, जिससे कि और ज़्यादा बीमारियाँ कोई ऐसी फैले ना। अभी कितनी टीमें यहाँ पे लगी हुई हैं जो बाढ़ में? अभी हमारी 2 टीमें यहाँ चल रही हैं, एक यूनिट अलग है और एक यूनिट जिसके साथ हम हैं आज यहाँ पर, और इनके सदस्य हैं यहाँ पर सारे। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।